अब बात करते हैं उन स्थितियों की जो चक्रवात निर्माण के दौरान अनुकूल रह सकती है। मदन जूलियन ऑसिलेशन बादल बारिश हवाओं का पूर्व की ओर बढ़ने वाला विक्षोभ है और यह उष्णकटिबंधीय चक्रवात के निर्माण और इसके आगे तीव्र होने के लिए बहुत अनुकूल वातावरण है। फिलहाल एमजेओ इंडेक्स के पूर्वानुमान के अनुसार मदन जूलियन ऑसिलेशन के 19 से 21 अप्रैल के बीच अरब सागर में प्रवेश करने की संभावना है और उसके बाद ये 30 अप्रैल से 2 मई के बीच बंगाल की खाड़ी में प्रवेश कर सकता है। यदि ऐसा होता है तो चक्रवात बनने के दौरान एमजेओ अनुकूल रह सकता है और अन्य स्थितियां जैसे कैल्विन वेव, ओशन हीट कंटेंट, वेस्टली विंड बर्स्ट, विंड शेयर अनुकूल रहती है। तब हम इस प्री मानसून सीजन में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में एक मजबूत चक्रवात की उम्मीद कर सकते हैं। हम आसानी से विंड शेयर का अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि यह कभी भी बढ़ या घट सकती है, लेकिन कुछ चक्रवात हाई विंड शेयर में तीव्र हो सकते हैं जैसे चक्रवात गति, चक्रवात मोका, चक्रवात बिपरजॉय ने किया। लेकिन यह एक बहुत ही दुर्लभ मामला है, ज्यादातर चक्रवात हाई विंड शेयर में कमजोर हो जाते हैं। समुद्र की सतह का तापमान हमेशा की तरह अनुकूल रहने की संभावना है। चक्रवात आमतौर पर 26 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस में बनता और तीव्र होता है, लेकिन हम बंगाल की खाड़ी के लिए समुद्र की सतह का तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद कर रहे हैं और अरब सागर के लिए हम समुद्र की सतह के तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस तक की उम्मीद कर रहे हैं। समुद्र की सतह के गर्म तापमान से रैपिड इंटेंसिफिकेशन की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। हमारे पिछले 10 वर्षों के प्री मानसून सीजन चक्रवात विश्लेषण और CFS, CANSAT, NMME जैसे मौसमी मॉडल से सुपर लंबी दूरी के डेटा के आधार पर मई और जून महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में चक्रवात सक्रिय होने की उच्च संभावना है। हमने उन संभावित तिथियों का विश्लेषण किया है जिनमें हम चक्रवात गतिविधि की उम्मीद कर सकते हैं। विश्लेषण के बाद हम 28 अप्रैल से 22 मई के बीच बंगाल की खाड़ी के लिए चक्रवात गतिविधि की उम्मीद कर रहे हैं और अरब सागर के लिए हम 28 मई से 18 जून के बीच एक चक्रवात की उम्मीद कर रहे हैं और यह ऊपर उल्लिखित क्षेत्र है जिसमें हम चक्रवात गठन की उम्मीद कर रहे हैं। हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में प्री मानसून चक्रवात सीजन में 3 से 4 सिस्टम बनने की उम्मीद कर रहे हैं, जिनमें से 2 सिस्टम चक्रवात या उच्च तीव्रता वाले सिस्टम बन सकते हैं और अन्य 2 सिस्टम निम्न दबाव क्षेत्र से डिप्रेशन की स्थिति प्राप्त कर सकती है। फिलहाल हम बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों के लिए श्रेणी 1 के चक्रवात से लेकर मध्य श्रेणी के श्रेणी 2 के चक्रवात की उम्मीद कर रहे हैं और यदि स्थिति अनुकूल रही जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है तो दोनों चक्रवात आगे चलकर श्रेणी 3 के प्रमुख चक्रवात या उच्च तीव्रता प्रणाली में बदल सकते हैं। हमारे विश्लेषण के अनुसार इस प्री मानसून चक्रवात के मौसम में यदि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कोई चक्रवात बनता है तो उस चक्रवात के उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, म्यांमार के कुछ हिस्से के बीच कहीं भी जाने की संभावना अधिक है। आंध्र प्रदेश, म्यांमार के कुछ हिस्सों में मध्यम संभावना है। तमिलनाडु, श्रीलंका, आंध्र प्रदेश और म्यांमार के बाकी हिस्सों में संभावनाएं कम है। हमारे विश्लेषण के अनुसार इस प्री मानसून चक्रवात के मौसम में अरब सागर के ऊपर अगर एक चक्रवात बनता है तो पूरा गुजरात, ओमान तक के कुछ हिस्सों के लिए उच्च संभावना है। पाकिस्तान, ओमान के बाकी हिस्सों, यमन के कुछ हिस्सों, सोमालिया, महाराष्ट्र के लिए मध्यम संभावनाएं हैं। कर्नाटक, केरल, यमन के बाकी हिस्सों, सोमालिया, ईरान में संभावना कम है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के लिए चक्रवात ट्रैक का पूर्वानुमान। ट्रैक में आगे बदलाव वेस्टर्न डिस्टरबेंस, जेट स्ट्रीम, टेज, सब ट्रॉपिकल रिज पर निर्भर रहेगा। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।